दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। यह हमारा एमसीक्यू जेके का सेट 3 है। सेट 1 तथा सेट 2 के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 9 और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी मात्र 7 सदस्य। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन फर्स्ट है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सेकेंड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन थर्ड है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा मोहम्मद सदाउल्लाह, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा के एम मुंशी और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद सदाउल्लाह। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बी एन राव, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन फर्स्ट है एकता और अखंडता के आधार पर, ऑप्शन सेकंड है बहुमत के आधार पर, ऑप्शन थर्ड है सर्वसम्मति के आधार पर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सहमति और समायोजना के आधार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सहमति और समायोजना के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो वैसे इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट है सरदार पटेल, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन थर्ड है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सेकंड है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन थर्ड है ब्रिटिश संसद द्वारा और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ना कि गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद या भारतीय संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन सेकंड है 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन थर्ड है 20 जनवरी 1947 को और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 26 जुलाई 1946 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 22 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन फर्स्ट है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सेकंड है के एम मुंशी, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेबी कृपलानी, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था, यानी तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है जुलाई 1948 में, ऑप्शन सेकंड है जुलाई 1950 में, ऑप्शन थर्ड है जुलाई 1947 में और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अगस्त 1947 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1947 में, तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का मॉडिफाई रूप। तो ऑप्शन फर्स्ट है 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सेकंड है 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन थर्ड है 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को। चलिए बड़े सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन फर्स्ट है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सेकंड है 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन थर्ड है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। चलिए बड़े सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन फर्स्ट है 262 सदस्यों ने, ऑप्शन सेकंड है 284 सदस्यों ने, ऑप्शन थर्ड है 287 सदस्यों ने और ऑप्शन फोर्थ है 289 सदस्यों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 284 सदस्यों ने, संविधान में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन फर्स्ट है 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सेकंड है 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ऑप्शन थर्ड है 385 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ऑप्शन फोर्थ है 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? वैसे इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, फिर भी देख लेते हैं, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सेकंड है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन थर्ड है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन और ऑप्शन फोर्थ है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीय संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, यानी किस दिन से संविधान सभा भारत की प्रथम संसद के रूप में कार्य करने लगी थी? ऑप्शन फर्स्ट है
24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सेकंड है 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन थर्ड है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन फोर्थ है 18 फरवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन सेकंड है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन थर्ड है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, और ऑप्शन फोर्थ है लोगों द्वारा नामित। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा नामित, यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।